अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुस्लिम दीनी और सियासी रहनुमाओं पर अब तरस आने लगा है। आखिर हमने अपने मसलकों की खातिर क्या क्या नहीं किया, एक दूसरे को काफिर तक कहने से हमने जरा सा भी गुरेज नहीं किया। कोई अपने आप को आशिक रसूल कहता रहा तो अपने आप को नबियों की तरह दीन का दाई होने का दावा करता रहा। फिर हमने ये भी देखा कि एक दूसरे को इंतहा की नफरत अपने दिलों में रखने लगे। अब इन तमाम बातों का जिक्र इसलिए करना जरूरी हो गया कि आज फिर सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर भी मंदिर होने का दावा महाराणा प्रताप सेना की जानिब से किया गया। महाराणा प्रताप सेना ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के नीचे भगवान शिवा का मंदिर होने का दावा करते हुए तहरीक चलाने की धमकी दी है। कहने का मतलब कहां तक इनकी हिम्मत बढ़ गई है, लेकिन हमारा कोई रद्द अमल नजर नहीं आ रहा। हम ये नहीं कहते कि आप सड़कों पर उतर कर एहतजाज करें, कानून को हाथ में ले, लेकिन मजम्मत तो कर सकते हैं। मजम्मत भी करने की हिम्मत ना हो इसे क्या कहा जाए। बाबरी मस्जिद चली गई, अब ज्ञानवेपी मस्जिद को मंदिर बनाने की कहानियां रोजाना घड़ी जा रही है। कोई भी कहीं पर भी मंदिर होने का दावा करता है और अदालत पिटीशन को मंजूर भी कर लेती है, इसे क्या कहा जाए। अकलियती माशरे का अब धीरे धीरे अदलिया से भरोसा भी कम होने की बात कही जा रही है। मुस्लिम समाज के लीडरों ने और दीनी सियासी रहनुमाओं ने दो नस्लों को गुमराह किया हुआ है। खैर, अब इस पर मातम करने के बजाय क्या कर सकते हैं इसकी कोशिश होनी चाहिए। वैसे तो महाराणा प्रताप सेना ने 2017 में ही पहली मर्तबा भगवान शिवा का मंदिर होने का दावा किया था। अब किसी को भी आईने हिंद का पासो लिहाज नहीं रहा। जो दिल में आए बयानबाजी करता है। वजीर आला के ओहदे पर बैठ कर दिए गए बयानात भी काबिले मजम्मत है। लिहाजा मध्य प्रदेश के वजीर आला ने तो काशी मथुरा अयोध्या हिंदुओं के मुकद्दस मकामात है, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है। महाराणा प्रताप सेना ने राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत को मुतालबा पेश करते हुए लिखा है कि अजमेर दरगाह के नीचे शिवा का मंदिर है। मस्जिदों के नीचे मंदिर का दावा नया ट्रेंड शुरू हुआ है। बहरहाल आज भी मसलक का नशा हमारे जहनों से उतरने का नाम नहीं ले रहा। शर्म करने की जरूरत है। हमने इसी शहर में मसलकी इख्तलाफात को इंतहा तक भी देखा है। एक दूसरे के खून के प्यासे मुसलमानों को महज मसलक की बुनियाद पर देखा था। कहाँ है वो जज्बा जो एक मुसलमान को महज मसलक की बुनियाद पर खून खराबे के लिए दिखाया जाता था। अब कहाँ छिप गए हो? खून सर्द हो गया है क्या? क्या संगियों से डर गए हो? तुम्हारी बहादुरी के जौहर उस वक्त दिखाते हो जब सामने कोई अपना हो। जबान से लफ्ज नहीं निकल रहा, इतना तो जरूर समझ में आया कि हम आस्तीन उस वक्त ही चढ़ाते हैं जब सामने मुसलमान हो। खैर, अब भी वक्त है। अब आवाम को सामने आना होगा। हर शहर के 25 लीडरों के फहरिस्त निकालनी होगी और इन लीडरों को सवाल पूछना होगा। फिर इसमें सियासी और दीनी रहनुमाओं को लेना होगा, इन पर जिम्मेदारियां डालनी होगी। वरना यूं ही महज अपनी जरूरत के हिसाब से लीडरगिरी या दीनदारी के बयानात करके मुश्किल वक्त में किनारा नहीं कर सकते। हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। अगर सिर्फ सब्र या हिकमत या फिर उकसाने की कोशिश फिरका परस्तों की जानिब से कहकर महज वक्त गुजारना ठीक नहीं है। मस्जिदों को, बुजुर्गों के आस्थानों पर मंदिरों के दावे वो करते रहे और पूरा माशरा खामोश बैठा रहे। लिहाजा जिम्मेदारों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए। क्या अब दिन महज शादी तलाक या मस्जिदों के चार दीवारी में ही सिमट कर रह गया? लिहाजा मामला आगे बढ़ने से पहले उम्मत में बेदारी के साथ इत्तेहाद के पैगाम को आम करना होगा। मसलक की लड़ाई जहालत के कुछ नहीं है। कौन जन्नती कौन जहन्नमी का फैसला तो कयामत में होगा। यहाँ अपनी जान माल आबरू इज्जत की हिफाजत करो। आज जो मुसलमानों के खिलाफ हैं ये वही लोग हैं जो इस मुल्क के संविधान के विरोधी है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो इस मुल्क को संविधान दिया है इसे बदलने की कोशिश जारी है। और जो भी फिरका परस्त ताकतें आज मस्जिद दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा कर रही है वो मुट्ठी भर मनुवादी लोग हैं, लेकिन अक्सरियत तबके को तो धोखा दे रहे हैं और धोखे से महज मुसलमानों को मुल्क का दुश्मन बताकर अपना इख्तदार बरकरार रखना चाहते हैं। कुछ हद तक महंगाई ने धर्म का नशा उतारने का काम तो किया है, अब भी कुछ वक्त दरकार है। जो भी हो, लेकिन बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, भोपाल की जामिया मस्जिद के बाद अब अजमेर दरगाह को भी निशाना बनाना इंतहा कह सकते हैं। वैसे तो शायद ही कोई शहर या कोई रियासत बचा होगा जहाँ जानबूझकर इस तरह के मसले को ना छेड़ा जा रहा हो। लिहाजा अल्लामा इकबाल ने कहा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर क्यों मचाते हो। कुछ लोगों को मसलक के इख्तलाफात से ज़ाती फायदा है, वो लोग कभी हमें एक होने नहीं देंगे। नौजवानों को चाहिए कि आने वाली नस्ल को अगर गुलामी से आज़ाद करना चाहते हो तो जालिम के सामने आवाज़ को बुलंद करो। आवाज़ को उठाना ज़रूरी है, यह खामोशी तुम्हारी नस्लों को गूंगा बना सकती है।
दसवीं इम्तिहानात में कामयाब तुलबाओं के लिए हब्बाड़ में इजलास मुनक्कद किया गया था, जिसमें दसवीं इम्तिहानात में नुमाया नंबरात हासिल करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई गई। इस वक्त बतौर मेहमान खसूसी रियासत अकलियती शोबे के चेयरमैन जनाब मुख्तार पठान मौजूद रहे, खसूसन मुस्कान मुल्ला जिन्होंने 99.52% मार्क हासिल किए, कीर्तन खोत 99.25%, रियाना मुल्तानी 97.28%, सानिया नदाब 91.68%, अलीशा हबीब 90.08% और जिया बागवान 91.04%। इन तमाम की गुलपोशी फरमा कर आने वाले रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं की गई। दिगर मेहमानान में सिकंदर पकाली, अयुब शमशीर, मुख्तियार नायकवाड़ी, इलियास नालबंद, मोहसिन इनामदार, दीवान देसाई, रमजान मुल्तानी भी शरीक रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।